नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा DFA तथा NFA, NFA से DFA में कन्वर्जन सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। आइए इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर्वप्रथम हम फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा की सहायता से रेगुलर लैंग्वेजेस की ग्रामर लिखना सीखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करना सीखेंगे, रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे तथा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की पहचान करना सीखेंगे। रेगुलर लैंग्वेजेज, कोई लैंग्वेज रेगुलर कहलाती है यदि इसके लिए कोई एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन M हो जो कि लैंग्वेज L को एक्सेप्ट करती हो, अर्थात L इक्वल टू LM। किसी लैंग्वेज L को रेगुलर दिखाने के लिए हमें एक DFA बनाने की आवश्यकता होती है जो कि लैंग्वेज L को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि हर एक NFA के लिए एक इक्विवेलेंट DFA बनाई जा सकती है। अतः किसी लैंग्वेज के लिए NFA बनाने पर भी हम उसको रेगुलर कह सकते हैं। रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेज को ग्रामर के माध्यम से भी वर्णित किया जा सकता है। कोई ग्रामर GVTSP राइट लीनियर कहलाती है यदि उसमें प्रोडक्शंस निम्न प्रकार से हों, A रिप्लेस्ड बाय X B, A रिप्लेस्ड बाय X, जहां A कॉमा B belongs to V तथा X belongs to T star। कोई ग्रामर GVTSP लेफ्ट लीनियर कहलाती है यदि इसमें प्रोडक्शंस निम्न प्रकार से हों, A replaced by BX, A replaced by X, जहां A कॉमा B V के मेंबर तथा X T star का एलिमेंट हो। कोई ग्रामर रेगुलर कहलाती है यदि वह या तो लेफ्ट लीनियर हो या राइट लीनियर हो। लैंग्वेज L रेगुलर कहलाती है यदि कोई रेगुलर ग्रामर G एग्जिस्ट करे जिसके लिए L इक्वल टू LG हो। राइटिंग रेगुलर ग्रामर थ्रू DFA, यदि L कोई रेगुलर लैंग्वेज हो तो एक DFA एग्जिस्ट करती है जो कि L को एक्सेप्ट करती है। माना कि M इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 F एक DFA है जो L को एक्सेप्ट करती है, जहां Q इक्वल टू Q0, Q1 अप टू Qn और सिग्मा इक्वल टू A1 टू Am है। ग्रामर G इक्वल टू VTSP को लिखने के लिए हम V इक्वल टू Q0, Q1 अप टू Qn, S इक्वल टू Q0 तथा सिग्मा इक्वल टू A1 अप टू Am लेते हैं। प्रोडक्शंस लिखने के लिए दिए हुए प्रत्येक ट्रांजिशन डेल्टा Qi कॉमा Aj इक्वल टू QK के लिए हम QI replaced by AJ QK production लिखते हैं। प्रत्येक फाइनल स्टेट QF के लिए हम QF replaced by lambda production लिखते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। सिग्मा इक्वल टू AB दिया गया है तथा हमें लैंग्वेज L जिसमें A से प्रारंभ होने वाली सभी स्ट्रिंग्सों के लिए ग्रामर लिखनी है। सर्वप्रथम हम दी गई लैंग्वेज के लिए DFA बनाएंगे। दिखाए गए डायग्राम में आप दी गई लैंग्वेज के लिए DFA देख रहे हैं। यहाँ पर तीन स्टेट्स हैं Q0, Q1 तथा Q2, जिसमें Q2 एक फाइनल स्टेट है। दिखाई गई DFA में निम्न ट्रांजिशंस हैं डेल्टा Q0 A इक्वल टू Q1, डेल्टा Q0 B इक्वल टू Q2, डेल्टा Q1 A इक्वल टू Q1, डेल्टा Q1 B इक्वल टू Q1, डेल्टा Q2 A इक्वल टू Q2, डेल्टा Q2 B इक्वल टू Q2। माना कि GVTSP दी की लैंग्वेज के लिए ग्रामर है, जहां V इक्वल टू Q0, Q1, Q2, S इक्वल टू Q0 तथा सिग्मा इक्वल टू A कॉमा B है। अब हम प्रत्येक ट्रांजिशन के लिए ग्रामर के प्रोडक्शंस लिखेंगे। क्योंकि ट्रांजिशन डेल्टा Qi AJ इक्वल टू QK के लिए हम प्रोडक्शन Qi replaced by AJ QK लिखते हैं, अतः
डेल्टा क्यू जीरो कॉमा ए इक्वल टू क्यू वन के लिए, क्यू जीरो रिप्लेस्ड बाई ए क्यू वन, डेल्टा क्यू जीरो बी इक्वल टू क्यू टू के लिए, क्यू जीरो रिप्लेस्ड बाई बी क्यू टू, डेल्टा क्यू वन ए इक्वल टू क्यू वन के लिए क्यू वन रिप्लेस्ड बाई ए क्यू वन, इसी प्रकार से लिखते रहने पर डेल्टा क्यू टू बी इक्वल टू क्यू टू के लिए क्यू टू रिप्लेस्ड बाई बी क्यू टू होगा। फाइनल स्टेट क्यू वन के लिए हम क्यू वन रिप्लेस्ड बाई लेमडा भी प्रोडक्शंस में लिखेंगे, क्योंकि क्यू टू एक डेड स्टेट है, यहाँ से किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। अतः जिन प्रोडक्शंस के दाईं तरफ क्यू टू हो उन प्रोडक्शंस को हम ग्रामर से हटा सकते हैं। अतः हमारे पास क्यू जीरो रिप्लेस्ड बाई ए क्यू वन, क्यू वन रिप्लेस्ड बाई ए क्यू वन, क्यू वन रिप्लेस्ड बाई बी क्यू वन तथा क्यू वन रिप्लेस्ड बाई लेमडा प्रोडक्शंस बचेंगे। क्यू जीरो को एस से तथा क्यू वन को ए से बदलने पर वी इक्वल टू एस कॉमा ए होगा तथा निम्न प्रोडक्शन हमारे पास होंगे, ए एस रिप्लेस बाय स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाय स्मॉल बी कैपिटल ए, कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई रेगुलर लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिख सकते हैं। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि ग्रामर लिखने के लिए DFA बनाई जाए, परंतु DFA के माध्यम से हम सही ग्रामर आसान तरीके से बना सकते हैं। NFA के माध्यम से भी ग्रामर इसी तरीके से लिखी जा सकती है। रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन एक नोटेशन है जो कि रेगुलर लैंग्वेजेज को अभिव्यक्त करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। इस नोटेशन पे हम अल्फाबेट में दिए गए सिंबल्स तथा ऑपरेटर्स प्लस डॉट तथा स्टार का प्रयोग करते हैं। यदि सिग्मा कोई अल्फाबेट हो तो सिग्मा में आधारित रेगुलर एक्सप्रेशन सिंबल्स की एक सीक्वेंस है जो कि बताए गए निम्न तरीकों से प्राप्त होती है। पहला, यदि ए सिग्मा का कोई एलिमेंट हो तो ए भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तथा यह लैंग्वेज एल ए इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात अल्फाबेट का हर एक लेटर अथवा सिंबल एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तथा इसकी लैंग्वेज वह अकेला लेटर अथवा सिंबल होगा। दूसरा, लेमडा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो कि नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात लेमडा के द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली लैंग्वेज एल लेमडा इक्वल टू लेमडा होगी। तीसरा, फाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात फाई के द्वारा रिप्रेजेंट की जाने वाली लैंग्वेज एल फाई इक्वल टू फाई होगी। चौथा, यदि आर वन तथा आर टू दो रेगुलर एक्सप्रेशन हों तो आर वन प्लस आर टू कॉमा आर वन डॉट आर टू तथा आर वन स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे जो कि एल आर वन यूनियन एल आर टू, एल आर वन डॉट एल आर टू तथा एल आर वन स्टार लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। एल आर वन स्टार को एल आर वन पूरा ब्रैकेट लगा के स्टार अथवा सिंपली एल स्टार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डॉट कॉनकेटेनेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से रेगुलर एक्सप्रेशंस तथा इससे रिप्रेजेंट होने वाली लैंग्वेजेस को समझते हैं। यदि सिग्मा इक्वल टू ए बी हो तो ए तथा बी रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे जो कि लैंग्वेजेज एल ए इक्वल टू ए तथा एल बी इक्वल टू बी को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, ए प्लस बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि लैंग्वेज एल ए यूनियन एल बी इक्वल टू ए कॉमा बी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, ए डॉट बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि लैंग्वेज एल ए डॉट एल बी इक्वल टू ए बी को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ, ए स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि लैंग्वेज एल जीरो ए यूनियन एल वन ए यूनियन एल स्क्वायर ए यूनियन डॉट 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 इक्वल टू लैम्डा कॉमा ए कॉमा ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ, बी ए स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि बी तथा ए स्टार का कॉन्कैटेनेशन है। लैंग्वेज बी कॉमा बी ए कॉमा बी ए स्क्वायर डॉट 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 को रिप्रेजेंट करता है। ए प्लस बी स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ए तथा बी से बनने वाली सभी स्ट्रिंग जिसमें लैम्डा भी इंक्लूड है को रिप्रेजेंट करता है।
ए प्लस बी स्टार को हम एल जीरो ए प्लस बी यूनियन एल वन ए प्लस बी यूनियन एल स्क्वायर ए प्लस बी यूनियन अप टू सो ऑन भी लिख सकते हैं, जहां एल जीरो ए प्लस बी नल स्ट्रिंग लैम्डा को, एल वन ए प्लस बी लेंथ वन की स्ट्रिंग्स अर्थात खर ए कॉमा बी को, एल स्क्वायर ए प्लस बी लेंथ टू की स्ट्रिंग्स अर्थात ए ए ए बी बी ए कॉमा बी बी को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने पर हमें सभी लेंथ्स की स्ट्रिंग प्राप्त होती हैं। ए डॉट ए प्लस बी स्टार एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ए तथा ए प्लस बी स्टार का कॉन्कैटेनेशन है, ए से प्रारंभ होने वाली सभी स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो जिनमें ए बी एक सब स्ट्रिंग हो, तो ए बी के पहले तथा ए बी के बाद में ए तथा बी की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, अतः इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी स्टार ए बी ए प्लस बी स्टार होगा। अब हम रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज देखेंगे। यदि L1 तथा L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेज हों तो L1 यूनियन L2 तथा L1 इंटरसेक्शन L2 भी रेगुलर लैंग्वेज होंगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली सेट ऑपरेशंस यूनियन तथा इंटरसेक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती हैं या सेट ऑपरेशंस यूनियन तथा इंटरसेक्शन के लिए क्लोज्ड होती है। L1 डॉट L2 भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली कॉन्कैटेनेशन के लिए भी क्लोज्ड होती है। L1 बार भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली कॉम्प्लीमेंट के लिए भी क्लोज्ड होती है। L1 स्टार भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली स्टार क्लोजर के लिए भी क्लोज्ड होती है। L1 आर भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली रिवर्सल के लिए क्लोज्ड होती है। क्योंकि L1 माइनस L2 इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 बार भी लिखा जा सकता है तथा रेगुलर लैंग्वेज इंटरसेक्शन तथा कॉम्प्लीमेंट के लिए क्लोज्ड होती है, अतः L1 माइनस L2 भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, अर्थात रेगुलर लैंग्वेज की फैमिली सेट ऑपरेशंस डिफरेंस के लिए भी क्लोज्ड होती है। यहाँ पर हमने रेगुलर लैंग्वेजेस की सेट ऑपरेशंस तथा लैंग्वेज की स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज को देखा। इसके अलावा भी कई और ऑपरेशंस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज की जांच की जा सकती है। अब हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज की पहचान करना सीखेंगे। इसके लिए हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेमा डिफाइन करेंगे जो कि पिजन होल प्रिंसिपल पर आधारित है। पंपिंग लेमा, माना एल एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है तो कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करता है कि प्रत्येक डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल को जिसकी लेंथ m के बराबर अथवा m से अधिक हो को तीन भागों में w इक्वल टू x y z की तरह बांटा जा सकता है, जहां मॉडुलस w लेस देन इक्वल टू m तथा मॉडुलस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो स्ट्रिंग wi इक्वल टू x y i z i इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी l में ही होगी। इस प्रिंसिपल को हम साधारण भाषा में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई पर्याप्त रूप से लंबी L की स्ट्रिंग को तीन भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि बीच वाले भाग को इच्छा अनुसार कई बार रिपीट करने पर हमें L की ही स्ट्रिंग प्राप्त होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। हमें दिखाना है कि लैंग्वेज L इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रेगुलर नहीं है। माना कि लैंग्वेज L रेगुलर है, अतः हम इसमें पंपिंग लेमा का प्रयोग कर सकते हैं। माना कि m इक्वल टू n तथा मॉडुलस y इक्वल टू k है। l की किसी स्ट्रिंग w को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि w इक्वल टू a n माइनस k a k b n, जहां पर x इक्वल टू a n माइनस k y a k तथा z b n है। यहां पर मॉडुलस w इक्वल टू ट्वाइस n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मॉडुलस एक्स वाई इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू एम तथा मॉडुलस वाई इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अतः पंपिंग लेमा के अनुसार एक्स वाई आई जेड आई की सभी नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए एल की एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, परंतु आई इक्वल टू जीरो रखने पर हम पाते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू ए एन माइनस के बी एन यह एल की स्ट्रिंग नहीं है, जो कि पंपिंग लेमा में अंतर्विरोध करता है। अतः लैंग्वेज L रेगुलर नहीं है।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पंपिंग लेमा का प्रयोग किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर दिखाने के लिए होता है, रेगुलर दिखाने के लिए नहीं। इस लेक्चर में हमने रेगुलर लैंग्वेजेज, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशंस तथा पंपिंग लेमा की सहायता से नॉन रेगुलर लैंग्वेजेज की पहचान करना सीखा। अगले लेक्चर में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।